हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही यूनिक है क्योंकि आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप फोटो एडिटिंग का काम करके किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड जो है बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। जी दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड आप बदल सकते हो और इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग का काम करके आपको हर महीने काफ़ी अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी फ्रीलेंसिंग वेबसाइट के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, जिस पे काम करके आपको जो अर्निंग होगी वो डॉलर्स में होगी दोस्तों। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपके कमाई हुए पैसे जो है कैसे आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आके ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सारे प्रोसेस जो है दोस्तों मैं इसी वीडियो में लाइव आपको करके दिखाऊंगा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं ये सारा प्रोसेस। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं सारे प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने freelancer.com वेबसाइट जो है ओपन कर रखा है। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको अपने मोबाइल फोन पे भी freelancer.com वेबसाइट जो है ओपन करके दिखा देता हूँ कि मोबाइल फोन पे ये वेबसाइट किस तरह से नजर आती है। तो आप देख सकते हैं लैपटॉप की राइट साइड स्क्रीन पे मोबाइल फोन का डिस्प्ले जो है मैंने ऑन कर दिया है और इसमें भी मैंने freelancer.com जो है वेबसाइट ओपन कर दिया है। फ्रेंड, मोबाइल फोन में जो वेबसाइट ओपन है ये मोबाइल वर्जन में है तो इस तरह से ये दिखती है, लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि इसे भी हम डेस्कटॉप वर्जन में ओपन कर सकते हैं। यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जैसा डिस्प्ले आ रहा है freelancer.com वेबसाइट का हमारे लैपटॉप में, सेम वही डिस्प्ले जो है हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप भली भांति जानते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं फ्रेंड्स, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के दूंगा क्योंकि आप देख सकते हैं लैपटॉप स्क्रीन काफी बड़ी होती है जिसमें मुझे बताने में और आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है, मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी हो जाती है उसके लिए। तो चलिए मैं मोबाइल स्क्रीन जो है अब यहाँ से हटा लूंगा फ्रेंड्स। तो मैंने मोबाइल फोन का स्क्रीन जो है हटा दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वेबसाइट पे किस तरह के जॉब्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से मैंने वेबसाइट का स्क्रॉल डाउन किया है तो यहाँ पर कुछ जो ज्यादा पॉपुलर जॉब कैटेगरीज है वो यहाँ पर डिस्प्ले में लगा रखी है। वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट का यहाँ पर है, ग्राफिक डिजाइनिंग है जिसके लिए $100 से शुरुआत होती है और यहाँ पर लोगो डिजाइनिंग का भी जॉब मिलता है जिसके लिए शुरुआती जो है वो $50 से अमाउंट जो है कंपनी पे करती है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया है जिसमें हमने ये चीज देखा है कि किस तरह से हम अपने मोबाइल फोन के जरिए बहुत ही आसानी से बिना एक रुपया खर्चा किए लोगो डिजाइन कर सकते हैं और वो हम कंपनियों को बेच भी सकते हैं। यह वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, साथ ही आई बटन में भी मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप उस पर भी क्लिक करके लोगो डिजाइनिंग कैसे करना है वो उधर से सीख के आप इस वेबसाइट के जरिए भी लोगो डिजाइन करके सेल कर सकते हैं और काफी अच्छे पैसे उसके कमा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन हम करेंगे इस वेबसाइट पे। तो यहाँ देख सकते हैं साइन अप का ऑप्शन दिया गया है, इस पे सिंपल हमें क्लिक करना होता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आ गया है जिसमें हमें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करना होता है और ज्वाइन फ्रीलांसर पे हमें क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अपना डिटेल जो है वो फिलअप कर लेता हूँ। मैंने डिटेल फिलअप कर दिया है, एग्री पे हम क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो यूजर नेम हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सजेस्टेड यूजर नेम कुछ दिखाया गया है, इनमें से हम कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह से दो ऑप्शन आ रहा है, आई वॉन्ट टू वर्क
आई वॉन्ट टू हायर, तो हम यहाँ वर्क करने आए हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पे ही क्लिक करिएगा। दूसरा ऑप्शन कंपनियों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता है वो। तो पहले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर लिया है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आप देख सकते हो साइन अप सक्सेस का हमारे सामने विंडो खुल के आ चुका है कि हमारा साइन अप जो है वो सक्सेस हो गया है। अब इसमें एक छोटी सी डिटेल जो है वो हम हमारे स्किल से रिलेटेड कुछ यहाँ इंफॉर्मेशन हमें डालनी होती है, तो वो डिटेल जो है यहाँ पर हम डाल देते हैं। जैसे कि आज इस वेबसाइट पे हम आए हैं फोटो एडिटिंग का जॉब जो है उससे रिलेटेड जॉब लेने के लिए, तो उसके लिए मैं ये डिजाइन पे क्लिक कर लूंगा फ्रेंड। अब हम इसमें से कुछ पर्टिकुलर स्किल जो है वो सिलेक्ट करेंगे जो फोटो एडिटिंग से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर मैं फोटोशॉप को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ देखेंगे काफी सारे और भी ऑप्शंस हैं, एनिमेशंस भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिखेंगे फ्रेंड। यहाँ पे मैंने 10 स्किल्स जो है वो सिलेक्ट कर लिया है जो कि आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है इस पे मैं क्लिक कर लूंगा। इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसा विंडो ओपन होके आ जाएगा जिसमें हमें हमारा फुल नेम जो है वो एंटर करना होता है। मैंने अपना नाम एंटर कर दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें लैंग्वेज जो है उसे सिलेक्ट करना होता है, तो चलिए यहाँ पर हिंदी ऑलरेडी सिलेक्ट है, अब मैं इंग्लिश भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा फ्रेंड्स। तो मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला स्टेप है एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम जो भी डिटेल्स डाल रहे हैं उसका कोई भी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता है, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए सबमिट नहीं करना होगा हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो अगर आपने ये बिगनर सिलेक्ट किया तो हो सकता है कि जो कंपनियां यहाँ पर जॉब अपना पोस्ट करती हैं, जो काम करवाने आती हैं, तो कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट से जल्दी काम करवाना पसंद नहीं करता है अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट अवेलेबल हो तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, या तो फिर आप इंटरमीडिएट सिलेक्ट करें या तो एडवांस सिलेक्ट कर लें। मैं एडवांस पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं अगला स्टेप आ गया है सिलेक्ट अ पेमेंट मेथड, तो इसको फिलहाल हम स्किप कर देंगे। पेमेंट मेथड का जो डिटेल्स है वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बता दूंगा, इस समय के लिए इसे मैं स्किप कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं अगला पेज हमारे सामने खुल के आ गया है जहां पर आप यहाँ लिखा हुआ है 1 month फ्री ट्रायल। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं freelancer.com जो ये वेबसाइट है यहाँ पर हमें 1 महीने तक फ्री ट्रायल पीरियड मिलता है। 1 महीने के बाद जो है हमें कुछ अमाउंट जो है इसमें पे करने के लिए होता है, लेकिन मैं बता दूं कि मैं जितने भी वीडियोस आप लोग के लिए बना के लाता हूँ वो सारे के सारे फ्री रहते हैं, 1 रुपए भी आपको कहीं भी खर्च करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको वो सारे ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप बिना 1 रुपया खर्च किए freelancer.com पे आप कंटिन्यूअसली काम ले सकते हैं और उसे कंप्लीट करके पैसे भी कमा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप स्टार्ट ट्रायल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। 1 महीना जैसे ही खत्म होएगा आपने जो भी अर्निंग कर लिया रहेगा उसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें रजिस्ट्रेशन एक नया कर लीजिएगा दूसरे ईमेल आईडी के थ्रू। ईमेल आईडी आज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट ईमेल आईडी जो भी है उसके द्वारा आप यहाँ साइन अप कर लीजिए, फिर से आपको 1 महीने के लिए उसमें भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ईमेल आईडी से न्यू रजिस्ट्रेशन करके हमेशा जो है 1 महीने का ट्रायल जो है वो ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे काम करके आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टार्ट ट्रायल नाउ पे हम क्लिक करें, उसके बाद यहाँ वापस कि नाउ पे हम वापस करेंगे क्योंकि पेमेंट ऑप्शन जो है हम वो बाद में देखेंगे फ्रेंड्स, इसी वीडियो में देखेंगे थोड़ा आगे जाके। पहले ये देख लेते हैं कि जॉब हमें यहाँ से कैसे सर्च करना होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लिया है पूरा फ्रेंड्स। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें हमारी प्रोफाइल जो है उसे भी एडिट करनी होती है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर आके इस पे क्लिक करेंगे तो व्यू प्रोफाइल दिखेगा, इस पे क्लिक कर लीजिए फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा जिसमें हमें एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है, तो इस पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम अपना फोटो जो है वो अपलोड कर लेंगे, तो चलिए मैं अपना इमेज जो है इसमें अपलोड कर देता हूँ। मैंने अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर लिया है। अब हमें हमारा ईमेल एड्रेस जो है उसे वेरीफाई करना होता है, तो चलिए ईमेल एड्रेस पे चल के अपना ईमेल वेरीफाई कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं मेल बॉक्स मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए हमें मेल आ चुका है। इस पे मैं क्लिक करूंगा और वेरीफाई ईमेल पे मैंने क्लिक कर लिया है फ्रेंड्स। और अब हमारे सामने अगला पेज जो है वो ओपन होके आ रहा है। आप देख सकते हो स्टार्ट ट्रायल नाउ का ऑप्शन आ गया है और स्किप फॉर नाउ वापिस से हम क्लिक करके इसे कंटिन्यू कर लेंगे फ्रेंड्स। तो हमारे सामने अगला विंडो वापिस खुल के आ गया है। अब दोबारा से हम इसी पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पे हम वापिस आएंगे फ्रेंड्स। और प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पे हम दोबारा से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आवर का क्या चार्ज हम करना चाहते हैं वो अमाउंट हमें यहाँ मेंशन करना होता है फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं कि पर आवर का आप $10 से $20 या $30 तक भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं $15 का ही रिकमेंड करूंगा कि $15 हम यहाँ पर मेंशन कर लें फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है प्रोफेशनल हेडलाइन। अब प्रोफेशनल हेडलाइन में हम जिस कैटेगरी से रिलेटेड जॉब आज यहाँ पर सर्च करने आए हैं उससे रिलेटेड ही हमें हमारा प्रोफेशनल हेडलाइन यहाँ डालना होता है। तो चलिए वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर प्रोफेशनल हेडलाइन एंटर कर दिया है। नेक्स्ट है समरी। तो समरी में भी हमें अपने बारे में थोड़ा सा एडवांस में बढ़ा के बताना पड़ता है ताकि जो कंपनियां यहाँ पर जॉब डालने आती हैं वो उसे देखने के बाद वो अट्रैक्ट हो जाए और इम्प्रेस हो जाए और हमें वो जॉब जो है देने का चांसेस ज्यादा हो जाए। तो मैंने यहाँ पर अपना समरी जो है वो एंटर कर दिया है। आप भी यहाँ पर अपने बारे में कुछ डिटेल जो है वो डाल दीजिएगा, एज इट इज मत डालिएगा, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल जो है हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। फोटो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ गया है और यहाँ पे नाम जो है वो लिख के आ चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सर्च करेंगे फोटो एडिटिंग से रिलेटेड कितने जॉब्स यहाँ अवेलेबल है। तो उसके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर सर्च बॉक्स जो है इसमें क्लिक करके हमें सर्च करना होगा फोटो एडिटिंग से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं फोटो एडिटिंग मैंने यहाँ टाइप किया है तो करीब 20 रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं। 20 अलग अलग कंपनियों ने यहाँ पे जॉब जो है वो पोस्ट किया हुआ है। तो यहाँ सब फोटो एडिटिंग के ही जॉब्स है। किसी कंपनी ने $8 से $20 अमाउंट रखा है, कहीं 30 से 250 डॉलर है, कहीं 10 से 30 डॉलर है। तो इस तरह से अलग अलग कंपनियों का अलग अलग यहाँ पर अमाउंट जो है इन्होंने फाइनल करके रखा हुआ है। इनमें से एक मैं आपको अभी बिट लगा कर दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें यहाँ पर जॉब जो है वो लेना होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये पहला वाला मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सामने विंडो खुल के आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रोजेक्ट डिटेल मेंशन किया हुआ है और स्किल रिक्वायर्ड यहाँ कुछ बताया गया है। कुछ चीजें इन पे ध्यान मत दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप फोटो एडिटिंग का काम कर सकते हैं अपने ही मोबाइल से बिना 1 रुपया खर्च किए, और कंप्यूटर लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल फोन से ही आप ये सारे काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम इंडिया में हैं तो हमें यहाँ पर इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंगली उस रेट को कन्वर्ट करके दिखा दिया गया है कि 600 रुपीज से लेके 1500 रुपीज जो है 600 से 1500 रुपया इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बिड अमाउंट जो है वो हमें यहाँ पर एंटर करना होता है। बिड अमाउंट पे क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर प्रपोजल का एक ऑप्शन दिया गया है। इस पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि इस जॉब के लिए कितने लोगों ने प्रपोजल सेंड किया है और कितना अमाउंट जो है इसके लिए उन्होंने चार्ज किया है। तो आप देख सकते हो काफी सारे यहाँ पर प्रपोजल्स हैं और उन्होंने क्या अमाउंट यहाँ पर अपना बिड लगाया है वो भी यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है। तो इस तरह से आप देख के उनके अकॉर्डिंगली आप भी अमाउंट सेट कीजिएगा जितना उन्होंने सेट किया है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा अभी शुरुआती दौर में आप पहली बार जब जॉब ले रहे हैं यहाँ पर तो मिनिमम जो है वो अमाउंट ही आप यहाँ पर सेट कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला जो कॉलम है वो यहाँ पर ये यह है कि हम कितने समय में ये जॉब कंप्लीट करके उन्हें दे सकते हैं। तो यहाँ पर 7 डेज का समय जो है वो रख दीजिएगा। अब यहाँ अगला ऑप्शन है डिस्क्राइब योर प्रपोजल। हमें हमारे प्रपोजल के अकॉर्डिंगली कुछ डिटेल्स जो है इसमें डालनी होती है जो कि ये जो कंपनी है इनको यहाँ पर चली जाएगी हमारे बिड के साथ में। हमारा प्रपोजल अगर उन्हें अच्छा लगा, इम्प्रेस हुए तो ये जॉब हमें मिल जाएगी फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स मैं यहाँ भी डिटेल्स जो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शनल अपग्रेड्स लिखा हुआ है, ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों में से एक को भी सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ सिलेक्ट करते ही आपको इतने अमाउंट जो है वो पे करने पड़ सकते हैं जो कि हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करने के लिए आए हैं। बिना 1 रुपया खर्चा किए हम यहाँ से कमाई करने आए हैं दोस्तों, तो हम पैसा नहीं खर्चा करेंगे, डायरेक्टली हम बिड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा बिड जो है वो सबमिट हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा प्रोफाइल पिक्चर है और ये हमारा अमाउंट आ चुका है। एडिट पे क्लिक करके मैं बिड को भी एडिट कर सकता हूँ, और अगर मुझे ये बिड डिलीट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके हम इस बिड को डिलीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि हम कैसे जॉब को ढूंढेंगे, यहाँ पर कैसे जॉब पकड़ेंगे। अब अगला ऑप्शन ये आता है कि जो हमें जॉब मिलेगा, जो भी हमें काम यहाँ पर मिलेगा फोटो एडिटिंग का, उसे पूरा हम कैसे करेंगे और किस तरह से इन कंपनियों को हम सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे वापस लेके चल रहा हूँ और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन के जरिए किसी भी फोटोग्राफ को एडिटिंग करके इन कंपनियों को भेज सकते हैं। तो मैं अपना मोबाइल फोन का स्क्रीन जो है वो लैपटॉप पे खोल दे रहा हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे राइट साइड में मैंने मोबाइल का डिस्प्ले जो है वो ऑन कर दिया है, और इसमें मैंने प्ले स्टोर जो है वो ओपन करके रखा है फ्रेंड्स। और प्ले स्टोर में हमें सर्च करना होगा एडोब फोटोशॉप मिक्स, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। और उसके बाद आप इसको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे फोन में पहले से इंस्टॉल है तो इसके लिए ओपन लिख के आ रहा है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन आपके फोन में कुछ इस तरह से खुल के आएगा दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ नीचे देखेंगे प्लस साइन दिया है, आपको ये प्लस साइन पे क्लिक करना होता है। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डिवाइस का ऑप्शन दिया है, तो आप इस पहले वाले डिवाइस ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वो फोटो सिलेक्ट करेंगे जिसे हम एडिट करने वाले हैं, तो मैं इस फोटो को यहाँ सिलेक्ट कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो फोटो हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब इस फोटो को हम कैसे ये बैकग्राउंड से अलग करेंगे, अब वो चीजें मैं आपको लाइव में दिखाने वाला हूं दोस्तों, तो ध्यान से ये चीज को देखिएगा। इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है फ्रेंड्स, तो पहली बार आप जब ये करेंगे तो हो सकता है कि उतना परफेक्ट आप ना कर सकें, लेकिन जब आप 3-4 बार करेंगे, 3-4 फोटो को एडिट करेंगे, तो आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आप freelancer.com वेबसाइट पे आके बहुत ही अच्छी कमाई कर सकेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से हम बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं सीजर का आइकन दिया हुआ है, हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे सामने इस तरह से कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये ऑप्शन जहां पर मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से दो ऑप्शन खुल के आएगा। पहला ऑप्शन जो है वो बेसिक सिलेक्शन है और दूसरा ऑप्शन जो है वो है स्मार्ट सिलेक्शन। तो फिलहाल हमने स्मार्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर लिया है, और स्मार्ट सिलेक्शन करने के बाद होता क्या है अब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो जैसे ही हम फोटो पे क्लिक करेंगे, एक चीज का ध्यान रखिएगा, फोटो पे जब आप क्लिक करोगे प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको अपनी उंगली जो है फोटो पर से उठानी नहीं है, आपको उन सभी जगहों पर जो है अपनी उंगली घुमानी है जो पोर्शन आप इस फोटो में से कट करके निकालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ, आप देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर टच किया है, आप देख सकते हैं टच करने के बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर गया यहाँ पर पूरा बाल जो है वो सिलेक्ट हो गया है। ये बेनिफिट है स्मार्ट सिलेक्शन का। अब मैं नीचे आ रहा हूँ तो आइसक्रीम का कोन जो है वो पूरा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैंने थोड़ा सा लेफ्ट में टर्न लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हेयर जो है वो पूरा जो है सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा और डाउन में आके और लेफ्ट टर्न ले रहा हूं तो आप देखेंगे शोल्डर जो है ये पार्ट भी अभी सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं और डाउन में आ रहा हूं, आप देखेंगे मैंने थोड़ा सा डाउन किया है, पूरा हाथ जो है एल्बो तक सिलेक्ट हो गया है। तो इसी तरह से हमें पूरा जो है इस फोटो के हर एक पार्ट पे जो है उसे
मूव करना होता है अपना फिंगर, तो जितना हम मूव करते जाएंगे ये सिलेक्ट होते जाएगा, स्मार्ट सिलेक्शन है तो इसके अकॉर्डिंगली ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, उन चीजों को हम बाद में रिमूव भी कर देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको इतना सिलेक्ट करके वो दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर इतना सिलेक्ट कर लिया है, अभी तक मैंने अपना फिंगर जो है, अपनी उंगली जो है, फोटो पर से उठाई नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे ही मैं उंगली उठाऊंगा, आप देखोगे जो बैकग्राउंड है वो निकल चुका है फोटो में से, और सिर्फ ये फोटो यहाँ पर अब बचा हुआ है दोस्तों। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो प्लस का एक साइन दिया हुआ है, आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे बाजू में तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर बाजू में करेंगे तो ये फिर प्लस हो जाता है। अब इसका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फोटो क्रॉप करने के लिए, तो इस चीज को भी बहुत ही ध्यान से देखना होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फोटो अभी हमने जितना सिलेक्ट किया है पोर्शन, अब इसका जो आउटलाइन है वो हमें फिनिशिंग लाने के लिए जूम करना होगा फोटो को। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जिस तरह से फोटो को जूम करते हैं, दो फिंगर को एक साथ रख के दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करते हैं जूम करने के लिए, ये तो आप जानते ही होंगे। तो उस हिसाब से अब मैं इस फोटो को जूम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, हमें इसे जूम करना है। और दूसरी बात, अब इस फोटो को आप देख सकते हैं जूम करते ही कुछ पोर्शन ऊपर जा चुका है जो कि हमारे मोबाइल फ्रेम के बाहर चला गया है। अब उसे वापस हम कैसे ड्रैग करके नीचे लाएंगे, तो एक फिंगर इस एप्लीकेशन पे आप मत लगाइएगा, ऑलवेज दो फिंगर आप लगाइएगा, दो फिंगर आप एक साथ प्रेस करिए और उसके बाद फोटो को नीचे ड्रैग करिए। दो फिंगर आने पे ये सिलेक्शन नहीं करता है, लेकिन एक फिंगर अगर आया फोटो पे तो ये वापस से सिलेक्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कान है ये इसमें जो है एक्स्ट्रा जो है वो कट चुका है, तो इसको अभी हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन हम शुरू करेंगे एकदम हेड के पास से ऊपर से। तो यहां पर आने के बाद फ्रेंड्स मैं इसे ड्रैग करूंगा और यहां पर मैं जूम कर ले रहा हूं। अब जूम करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर एक ऑप्शन है एडज, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे हमें सिलेक्ट करना होता है शॉट। यहां पर इसे सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फोटो को फिनिशिंग लाने के लिए हमें बहुत ही माइक्रो में यहाँ काम करना होता है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अब दोबारा हम यहाँ पर आएंगे, ये जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं सर्कल, इस पे क्लिक करने के बाद बेसिक सिलेक्शन अब हम सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। बेसिक सिलेक्शन क्या होता है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बेसिक सिलेक्शन सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ ऊपर हम फिंगर को जो है वो मूव करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ जितना मैं मूव कर रहा हूँ बहुत ही माइक्रो में इधर फोटो जो है वो कट हो रहा है, यहाँ पर ब्लू कलर जो है वो निकल रहा है फ्रेंड्स। हमें यहाँ पर बैकग्राउंड में जो ब्लू कलर था वो फोटो के ऊपर थोड़ा बहुत आ जाता है इसके कॉर्नर पोर्शन में, तो इसे रिमूव भी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर कोई कंपनी हमें पे कर रही है, ज्यादा पैसे दे रही है, तो हमें काम भी उतना अच्छा करके देना होता है। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से इस फोटो का जितना भी बॉर्डर है, जितना भी आउटलाइन है, सबको हमें इसी तरह से करना होगा, माइक्रो में जाके सबको धीरे 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 ड्रैग करके ये सब हमें कट करके कंप्लीट कर लेना होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं बता दूं यहाँ पर जो यहाँ कान जो है वो यहाँ क्रॉप हो चुका है, अब इसको हम वापिस से कैसे रिकवर करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई पोर्शन अगर इस तरह से कट जा रहा है तो उसे रिकवर करने के लिए हमें इस पे क्लिक करना होता है प्लस साइन लाने का। इस पे जैसे ही यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, अब ईयर पे हम फिंगर जो है वो मूव करेंगे फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही मैं फिंगर मूव करूंगा जितने भी जगह पे, उतना पोर्शन यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने फिंगर मूव किया तो ईयर जो है वापिस से आ गया है। इसका मतलब प्लस करने के बाद जो पोर्शन यहाँ पर क्रॉप हो चुका है वो वापिस आ जाएगा, और माइनस अगर हमने इसको कर दिया तो यहाँ पर जहां भी हम मूव करेंगे वो पोर्शन इसमें से कट के निकल जाएगा। तो ये प्लस और माइनस का मीनिंग होता है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फोटो के ऐसे जो एकदम छोटे पोर्शन है जहां पर स्पेस कम होता है, यहाँ आप कुछ जूम ज्यादा करना होता है फ्रेंड, और उसके बाद फोटो को इस तरह से ड्रैग कीजिए और फिर से आप जूम को और बढ़ा दीजिए, ताकि जूम बढ़ाने के बाद जो हमारा पॉइंटर है वो फोटो के एक्चुअल पोर्शन को कट ना करे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम जूम ज्यादा करके
यहाँ पर फिंगर को मूव करके ये बैकग्राउंड जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है इस फोटो से हमने पूरा रिमूव कर दिया है। राइट जो साइन दिखाई गई है इस पे हमें टिक करना होता है। जैसे ही हम उस पर टिक करेंगे हमारा फोटो जो है वापिस से यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ जो प्लस साइन दिख रहा है इस पे क्लिक करके हम बैकग्राउंड इमेज को कॉल करेंगे। इस पे क्लिक करते ही हम अपने फोन के गैलरी में वापस पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइस है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद हमारे फोन में इस तरह से खुल के आ जाएगा हमारा फोन गैलरी। अब मैं इस फोटो को मैंने इंटरनेट से ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तब मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। फ्रेंड्स इसको सिलेक्ट करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ सिंपली कैंसिल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अब इमेज खुल गया है। अब इमेज खुलने के बाद हमें इस इमेज को जूम करना है। फ्रेंड्स जूम कैसे करेंगे वो आप जानते ही हैं, तो चलिए फटाफट इमेज को हम जूम कर लेते हैं। आपको जूम कैसे करना है ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। देन हमने फोटो को जूम कर दिया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे अब जो हमने इमेज कॉल किया है वो आ चुका है। अब यहाँ पर नीचे जो दिख रहा है बॉक्स, ये हमारा फोटो है जो हमने अभी बैकग्राउंड जो है उसे क्रॉप किया था, और ये जो ऊपर ब्लू बॉक्स के अंदर है ये हमारा वो इमेज है जो आपके सामने दिख रहा है। अब हम इस नीचे वाले इमेज पे इस वाइट बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। अब ये ब्लू में कन्वर्ट हो चुका। अब इसको हम क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि जो फोटो ऊपर रहेगा डिस्प्ले में सबसे ऊपर वही फोटो दिखने वाला है। नीचे वाला फोटो जो है इस फोटो के बैकग्राउंड में ऑलवेज दिखता है। तो चलिए हम नीचे वाले फोटो को ड्रैग करके ऊपर ले आते हैं। फ्रेंड्स हमने इसको ड्रैग करके ऊपर कर दिया है और ये फोटो जो है बैकग्राउंड से निकल के इसमें आ चुकी है। अब इस फोटो को ड्रैग करके थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से अब ये फोटो जो है इसके ऊपर आ चुकी है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे बिल्कुल नजर आ रही है ये फोटो। अब दोस्तों काम यहीं खत्म नहीं होता है। अब इस फोटो के ऊपर हमें जो है वो फिनिशिंग करना है, थोड़ा सा वर्क और करना है। फोटो में थोड़ा ग्लो आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए अब वो प्रोसेस हम शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्रॉपिंग प्रोसेस देख लिया है और उसके बाद ये बैकग्राउंड पोर्शन पे हमने ये पोर्शन जो है वो एड कर दिया है। अब हम इस फोटो पे थोड़ा सा ग्लो लाएंगे। वो सारे फीचर्स कहाँ हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एडजस्ट बटन है इस पे हमें क्लिक करना होता है। जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्परेचर, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से एक स्लाइडर खुल के आ जाएगा, जिसमें ये सर्कल है, मतलब ये वाले पोर्शन पे अभी ये जो इसमें इफेक्ट दिख रहा है वो इस पोर्शन का इफेक्ट है। अगर इसे हम यहाँ मूव करेंगे तो इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने इसको जैसे ही इधर लेफ्ट राइट साइड में मूव किया और आप देख सकते हो मूव करके छोड़ते ही इसका इफेक्ट चेंज हो चुका है। अब इसी को अगर मैं वापस ड्रैग करके यहाँ मूव कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो वापस कलर चेंज हो रहा है। इसका मीनिंग है अगर हम इस तरफ मूव करेंगे तो ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है, इस तरफ मूव करने पे ये फोटो का कलर जो है वो येलोइश में कन्वर्ट होने लगता है। तो जो भी जिसका भी जॉब हमें मिलेगा, जिसका भी काम हम लेंगे, तो वो आदमी हमें बताएगा कि किस तरह से उसे इफेक्ट इस पे चाहिए। उसे ब्लू कलर का इफेक्ट अगर स्पेशली वो बोलेगा कि ऐसा इफेक्ट हमको डाल के दो, तो इस ऑप्शन को आप यूज करके ब्लू इफेक्ट आप फोटो के ऊपर दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसे वापस रिवर्स उसी मोमेंट पे कर देता हूँ। उसके लिए ये जो बटन आप देख रहे हैं इसे अंडू कहते हैं, इस पे हम सिंपली एक बार क्लिक कर देंगे और दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो एक्चुअल पोर्शन पे ये आ चुका है। अब हम अगले पे चले जाते हैं। फ्रेंड्स ये है एक्सपोजर। एक्सपोजर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोबारा ये स्केल आ जाएगा और वापिस से काम वही करना है। लेफ्ट मूव कर सकते हैं और राइट में भी इसको हम मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हो मूवमेंट करने के दौरान फोटो का जो शेड है वो चेंज हो रहा है। जैसे ही हमने इसे लेफ्ट में मूव किया है तो ये फोटो जो है वो डार्क हो गई है, अंधेरा छा गया है, और जैसे ही हम इसे राइट साइड में मूव करके छोड़ते हैं फोटो पे एक लाइट आ गया है। मतलब एक डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला इंसान भी अगर हम इस तरह से इफेक्ट डाल दें तो वो भी गोरा दिखने लगेगा दोस्तों। तो इस फोटो को मैं थोड़ा सा यहीं एडजस्ट करके मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। अब अगला हम कॉन्ट्रास्ट पे जाएंगे।
कंट्रास्ट पे क्या होगा इफेक्ट वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें भी स्लाइडर का ही काम है दोस्तों। आप देख सकते हो कंट्रास्ट पे आने के बाद हम जैसा मूव करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर ये शेड इसका चेंज हो रहा है। तो आपको जो बेटर लगता है उस हिसाब से आप ये शेड एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं यहां पर हाइलाइट्स कुछ एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर वापस स्लाइडर आ गया है। स्लाइडर आने के बाद आप देख सकते हैं ये जो मूवमेंट हम कर रहे हैं इसमें भी इफेक्ट जो है फोटो का चेंज हो रहा है दोस्तों। अगला है शेडो ऑप्शन, देख सकते हैं शेडो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहां पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो फोटो के जिस भी पोर्शन में, लाइक ये पोर्शन और ये पोर्शन में हाथ का शेडो आया हुआ था, तो मैं वापस वही कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये डार्क दिख रहा है, तो जैसे ही शेडो को हम यहाँ मूव करते हैं तो यहाँ पर शेडो थोड़ा सा कम हो जा रहा है। मतलब ये ऑप्शन जो है हमें शेडो जो है फोटो में से रिमूव करने के लिए, शेडो का इफेक्ट कम करने के लिए यूज करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर, ये है क्लैरिटी अगला ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमने मूव आगे किया तो क्लैरिटी में थोड़ा चेंज आया, यहाँ मूव किया तो थोड़ा ऐसा आया। ये बेटर मुझे लग रहा है कि ये हम इस जगह पे रखेंगे लेफ्ट साइड में, तो ज्यादा ये थोड़ा ब्यूटी मोड में फोटो नजर आता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट कर ले रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। सब करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर राइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी फोटो जो है वो प्रीवियस स्क्रीन पे आ गई है बैकग्राउंड के साथ में। अब यहाँ पे हमें बैकग्राउंड का जो शार्पनेस है, जो क्लैरिटी है, उसे थोड़ा सा कम करना है ताकि हमारी जो मेन इमेज है ये ज्यादा क्लियर यहाँ पर विजिबल हो जाए। उसके लिए यहाँ पर हम बैकग्राउंड इमेज जो दिख रहा है नीचे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो बैकग्राउंड इमेज के पीछे ब्लू बॉर्डर आ गया है, मीन्स ये सिलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर एडजस्ट बटन पे क्लिक करके बैकग्राउंड को एडजस्ट करेंगे कलर पोर्शन। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड इमेज जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसके ऊपर हम ये सारे जो इफेक्ट्स है उसको थोड़ा सा हम डाउन कर देंगे ताकि ये फोटो की विजिबिलिटी जो थोड़ी सी कम हो जाए, और उसके बाद हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा विजिबल हो जाए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्लैरिटी में भी जाके इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि इसकी क्लैरिटी भी कम हो जाए फ्रेंड्स, और कंट्रास्ट में आके कंट्रास्ट में भी थोड़ा सा हम इसे डार्क कर देंगे। और डार्क करने के बाद फ्रेंड्स सैचुरेशन में आके थोड़ा सा इसको भी हम डाउन कर देंगे। उसके बाद वापस से यहाँ पे हम राइट जो साइन है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा डार्क हो गया है और जो मेन हमारा इमेज है ये बहुत ही विजिबल और क्लियर हो चुका है। अब फोटो हमारी रेडी हो गई है। अब ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, अगर आप इन्हें हटाना चाहें तो इस पे आपको सिंपल क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही आप देख रहे हो ऑप्शंस यहाँ से हट चुका है। अब दोस्तों इस फोटो को हम सेव कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से खुल के आएगा जिसमें आप सेव टू गैलरी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया आप देख सकते हो सेव हो चुका है मेरे फोन की गैलरी में इमेज। अब मैं चल के आपको दिखा देता हूँ मेरे फोन की गैलरी में ये इमेज सेव हुआ है, तो वहां मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये इमेज बना हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपने फोन का गैलरी यहाँ ओपन किया है, यहाँ पर ये दोनों ही फोटो अवेलेबल है। दोनों ही फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फोटो को फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये दोनों फोटो आपको एक साथ नजर आए। अब इस फोटो को मैंने ओपन कर दिया है। आप देख सकते हो ये वो फोटो है जो हमने बनाया है और स्लाइड किया मैंने आपके सामने है, ये वो ओरिजिनल फोटो है जिसका बैकग्राउंड हमने रिमूव किया था। अब इन दोनों फोटो में कितना डिफरेंस आ गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो पूरा ओपन है और यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर के अंदर वही इंसान आइसक्रीम खाता हुआ दिख रहा है। दोनों फोटो में बहुत अंतर है। इस हिसाब से हम फोटो को क्रॉप करके बैकग्राउंड फोटो एडिट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। देख के हो सकता है आपको लगे
कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा इस पे मेहनत करेंगे दोस्तों तो ये आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। इस पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा दोस्तों, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप और भी अच्छा फोटो जो है वो एडिटिंग कर पाएंगे और प्रोजेक्ट को सबमिट करके बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और 1 रुपए आपको खर्चा नहीं करना है दोस्तों, सारी चीजें आप देख रहे हो, आपके सामने सब नजर आ रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं अपना मोबाइल स्क्रीन जो है डेस्कटॉप से वापस हटा ले रहा हूं और अब हम वापस अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे हम वापस आ गए हैं। ये सारे प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में कि कैसे हम freelancer.com वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 पैसे भी खर्चा नहीं करना है, यहाँ से हम जॉब जो है काम ले सकते हैं। लेने के बाद कैसे उसे हमें करना है, फोटो एडिटिंग किस तरह से हमको करना है, वो भी मैंने आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे दिखा दिया है। लाइव में आपके सामने ही मैंने एक फोटो को पूरा क्रॉप करके उसे बैकग्राउंड चेंज करके मैंने आपको पूरा दिखा दिया है दोस्तों। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि ये सब करने के बाद फाइनली पेमेंट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो कैसे हमें रिसीव होगा। तो उसके लिए दोस्तों यहां पर वापस से आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहां आप देख सकते हो विड्रावल फंड, ये ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होता है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, हमारे सामने अगला पेज खुल के आ जाएगा। ये आपके सामने आ गया है, आप देख सकते हैं यहां पर जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ पूछा जा रहा है। अपडेट योर जीएसटी। दोस्तों डरने की बात नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि सालाना इनकम जो है वो 20 लाख रुपए से जिसकी कम है उसे जीएसटी नहीं लगती है। तो पहले तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आने के बाद यहाँ ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह से खुल के आएगा। इस पे हमें ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है कि 20 लाख से कम एनुअल है, और उसके बाद सेव रीजन पे हम क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो सेटिंग में हमारा सेव हो चुका है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पेमेंट मेथड, इस पे हमें क्लिक करना होता है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हम वापस से इस पेमेंट मेथड वाले पेज पे आ जाएंगे जिसे हमने शुरुआत में स्किप किया था। और मैंने आपको कहा था कि ये ऑप्शन मैं आपको वीडियो के आखिर में चल के दिखा दूंगा, तो फिलहाल हम वापस उसी जगह पे आ गए हैं। अब पेमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस ऑप्शन में न जाइए। बहुत ही सेफ और सेफर साइड में है ये दूसरा ऑप्शन पेपाल। यहाँ पर आप दुनिया भर में कहीं से भी काम करके पैसे जो है सीधे अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। हमें इस पे क्लिक करना होता है ऐड पेपाल अकाउंट पे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड हमारे सामने इस तरह से पेपाल का पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो एंटर करना होता है, और उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेमेंट मेथड इसमें ऐड हो जाएगा। अब अगर आप लोगों का पेपाल अकाउंट नहीं बना हुआ है और आप लोग इसे बनाना चाहते हैं, तो इसका एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। साथ ही मैंने आई बटन में भी इसका लिंक जो है वो ऐड कर दिया है, उस पे क्लिक करके वो वीडियो आप देखेंगे तो 2 मिनट का काम है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपया खर्चा किए आप पेपाल में भी अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप freelancer.com वेबसाइट पे बहुत ही आसानी से हर महीने बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं दोस्तों। आखिर में आपको एक चीज मैं वापस से कहूंगा दोस्तों कि मेरे द्वारा जितनी भी वेबसाइट आपको बताई जाती है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, वो पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें 1 रुपए भी आपको खर्चा नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपके सारे डाउट जो है वो यकीनन क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड करेंगे। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो जाए।